हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के परमाणु संरचना चैप्टर का अफवाह रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको बताएंगे। हम देखें कि अफवाह रूल के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि अफवाह रूल अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पिछले वीडियो में जाकर के YouTube पर जाकर के केमिस्ट्री बाय उमेश सर सर्च करिए और उस पर जो पिछला वीडियो पढ़ा हुआ है अफवाह रूल के द्वारा इलेक्ट्रॉन अफवाह रूल, उसको जाकर के आप निश्चित रूप से देखें, तभी ये वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से और प्रभावी ढंग से आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा अफवाह ने उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाया अफवाह के द्वारा। अफवाह नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अफवाह ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम हो। यदि आपसे पूछ दे 3d और 6p में किसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो हम n प्लस l निकालते थे। n की वैल्यू 3d के लिए 3 होगा, l की वैल्यू 2 होगा, n प्लस l बराबर 5 हो गया। 6p के लिए n बराबर 6 होगा, l बराबर 1 होगा, 6 × 7 होगा। 3d उपकोष के लिए n प्लस l का मान कम है, इलेक्ट्रॉन पहले 3d उपकोष में प्रवेश करेगा। यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n प्लस l का मान समान हो, हम देखें 3d और 4p में इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में प्रवेश करें, तो इसके लिए n बराबर यहाँ 3 है, यहाँ n बराबर 4 है, l बराबर d के लिए 2 है, p के लिए 1 है, n प्लस l बराबर 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तब इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजें? तब इलेक्ट्रॉन हम उस उपकोष में भेजते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पहले 3d उपकोष में जाएगा। पहले ही n नहीं देखते हैं, पहले n प्लस l देखते हैं। जब n प्लस l समान रहेगा तभी हम n की वैल्यू देखेंगे। अब हम अफवाह रूल के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा इसको हम देखें। आप पिछला वीडियो निश्चित रूप से आप देखो, तभी ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अफवाह ने क्या किया कि उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके लिए इन्होंने एक चार्ट बना दिया। तो 1s है, पहले कोष में केवल s उपकोष, दूसरे में 2s है, 2p है, तीसरे में 3s है, 3p है, 3d है, चौथे में 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। जितना कोष उतना ही उपकोष भी होता है। फिर 5s है, 5p है, 5d है, 5f है, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s। एक चार्ट इन्होंने बनाया। देखिए कैसे हम करेंगे, इधर से काटते जाते हैं ऐसे। पहले 1s काटा तो 1s की ऊर्जा सबसे कम होगा, सबसे पहले 1s उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p 3s में, 3p 4s में, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, फिर यहां से 4f 5d, जो जो कटा है 6p 7s। 88 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इतने से कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला 1s में, फिर 2s में, 2p 3p 3s 3p 4s 3d 4p 5s
4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। हम ये देखें, एक चार्ट आपको बताए थे हम कि s, p, d, f उपकोष में कक्षकों की संख्या, कक्षक जो होगा 1, 3, 5, 7 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, s उपकोष में 2, 6, 10 और 14 हो। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे हम देखें। तो सबसे पहला काम, यहां हम लेते हैं परमाणु क्रमांक, यहां हो गया तत्व और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको हम बताए थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बाउ रूल से जान जाओगे तो आसानी से निल्स बोर के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। हाइड्रोजन, हीलियम, एक तत्व है कैपिटल, एक तत्व में अगर दो अक्षर है तो पहले कैपिटल दूसरे को स्मॉल। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का 1s1, पहला उपकोष, पहला कोष है, s उपकोष है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें है, पहले 1s आया है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, तो हाइड्रोजन में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हीलियम का 1s2, लिथियम का s उपकोष में एक कक्षक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो s उपकोष भर गया, अब जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, तो 1s2 2s1, 2, 1, 3। चौथा बेरिलियम है 1s2 2s2। आप देखो कि चार परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे इसके बराबर आना चाहिए, तो 1s2 2s2 है, 2, 2, 4 हो गया। बोरान का 1s2 2s2 2p 1 हो गया। कार्बन 1s2 2s2 2p 2, 2, 4, 1, 5 था, 6, 2, 2, 2, 2p 2। s उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 भर गया, तो अब अगला उपकोष आया है 2p, तो 2p में जाएगा। फिर इसमें आप देख लो, आप इसमें देख लो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत हो गया है, ऐसे ही चार्ट बना दिया गया है, आपको विश्वास नहीं है, हम कहीं भी उठा करके 2 देखें, 4d 5p 4d और 5p चेक करें, क्या n प्लस l को रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए n बराबर 4d में n बराबर 4 है, इसमें 5 है, l बराबर d उपकोष के लिए 2 है, p के लिए 1 है, 4, 2, 6 हो गया, 5, 1, 6 हो गया, दोनों के लिए बराबर हो गया n प्लस l का मान। तब n की वैल्यू देखेंगे, 4d में n बराबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा 4d में जा रहा है, मतलब सही है। आगे एक जगह और देखें, 4f और 5d, n बराबर 4 है, यहाँ 5 है, l बराबर f में 3 है, d में 2 है, 4, 3, 7 है, 5, 2, 7 है, दोनों के लिए n प्लस l का मान समान हो गया, तब इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए जिसमें n की वैल्यू कम है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करना चाहिए, 4f उपकोष में जा रहा है, 5d में बाद में, मतलब एकदम सही है। जो हम ये चार्ट खींचे हैं, जितना कोष उसमें उपकोष की संख्या उतनी ही होगी, पहले कोष में केवल 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में spdf, पांचवें में spdf z भी होता, लेकिन जी पूरे पीरियडिक टेबल का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ जाओगे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी उपकोष में प्रवेश नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम केवल एफ उपकोष तक ही दिखाते हैं, और ऐसे डायगोनल काटेंगे, पहले 1s कटा है, फिर 2s कटा है, फिर 2p 3s 3p 4s, ये ध्यान रखिएगा ये दूरी समान रहे, नहीं तो रेंडम कटने लगेगा सब, ठीक। आप n प्लस l करके एक बार मिला भी लो कि है कि नहीं। अब इसमें देखो, p उपकोष में 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 कक्षक है, 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो हम करते जाएं, नाइट्रोजन का
1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे केमिस्ट्री की जान है, आपको एकदम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन उपकोष में भरा जाएगा, इसको जानना बहुत आवश्यक है। आगे संयोजकता जो भी पढ़ोगे चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। आप देख लो कि 10 का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है कि नहीं। 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होगा तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को शो करेगा 2 4 10। अगर आप निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो तो यहां पे 1s है, ये नीचे वाला कोष को प्रदर्शित करता है, ये sp(df) उपकोष है और ऊपर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पे देखो दिया हुआ है n और कोई भी sp(df) है और यहां पे x दिया है, ये ऑर्बिट को शो करता है, कोष को प्रदर्शित कर रहा है, ये सबसेल को और ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे नीचे जो संख्या है वो ऑर्बिट को दिखाएगा, sp(df) सबसेल को दिखाएगा और ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अगर बोरबर के नियम अनुसार हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ये पहला 1s, 1 एक ही है, नीचे संख्या एक ही है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s2p है, 6 2 8, 2 कम 8 निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर हम देखें अब 11 से चलें, नोट कर लिए होंगे आप 11 से 20 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6 तक तो लिखा ही जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और क्या, अभी 2, 4, 10 एक बच रहा है, तो 2p उपकोष में 3 कक्षक है, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये तो भर गया, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s उपकोष में, 3 कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 4 10 1 11 सही। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, s उपकोष भर गया, s उपकोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 3s के बाद अब 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अगर बोरबर के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहोगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2p है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3s3p है, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 कमा 8 कमा 3, ये ऊपर वाला, नीचे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2s2p है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3s3p 3d नहीं है, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 कमा 8 कमा 3, यही बोरबर के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें देखो फिर स्कैंडियम SI सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर थोड़ा सा छोटा छोटा है, आपको देखने में समस्या हो रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 15 फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आवश्यकता है, 2 4 10 12 3 पहुंचना है, 3 हो गया 3p3। अगर 16 सल्फर 17 क्लोरीन 18 आर्गन 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
फोर, काउंट करो, दो चार दस बारह चार सोलह। मोरबरी के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पॉलीकोस में दो इलेक्ट्रॉन दो हो गया, 2s2p 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3s3p 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6। क्लोरीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दो चार दस बारह छः अट्ठारह, 18 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं, एस उपकोष में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अगर भर गया तो फिर अगला उपकोष देखिए, पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, भर गया तो अगला उपकोष देखिए, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, भर गया तो अगला, एफ उपकोष में 14 हो गया तो फिर अगले में देखो। आप नीचे दिया गया है ऐसे इसका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर बोरवरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2p है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3s3p है 8 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश कर रहा है उसी ब्लॉक का तत्व होता है, एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक। आगे पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, उस चैप्टर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश किया उसी ब्लॉक का तत्व होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा आगे चल करके ये ब्लॉक। आर्गन, फिर पोटेशियम हम देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भर गया, पी उपकोष में तीन कक्षक है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s उपकोष में, यानी कि s ब्लॉक का तत्व है 4s1। 2 4 10 12 6 18 1 19। फिर कैल्शियम का देखें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 2 4 10 12 6 18 2 20। बोरबरी के नियमानुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आप सबका करिएगा, पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2p है, sp ये s और p उपकोष को प्रदर्शित करता है, नीचे जो संख्या है ये कोष को प्रदर्शित करता है, तो 8 हो गया, तीसरे में 3s3p 8 हो गया, और चौथे में 2 2 8 8 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करोगे, ये 20 तक हो गया। अगर ब्लॉक आपसे पूछा जाए कि किस ब्लॉक का तत्व है, नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व है, क्लोरीन किस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है पी ब्लॉक का तत्व है, पोटेशियम किस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जा रहा है तो एस ब्लॉक का तत्व है। आ रही बात समझ में, कोई समस्या नहीं है। अफबाउ रूल हम पढ़ रहे हैं, अफबाउ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम हो, यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए एन प्लस एल का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए एन की वैल्यू कम हो, जानना बहुत आवश्यक है। अब देखो, नोट कर लिए होंगे आप, अब हम 21 से 30 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 21 से 30 तक इसको मिटा दें, इधर का ही मिटाते हैं, वो रहे आपके सामने ही, देख 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, 21st स्कैंडियम SC 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कैल्शियम का जैसे हुआ था एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो 4s उपकोष भर गया, डी जाएगा तो डी में जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, यानी कि 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, तो डी उपकोष में 1 से 10 तक, डी उपकोष में 5 कक्षक, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें 3d1 हो गया। अगर बोरबरी के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2p है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भले अलग अलग जगह हो लेकिन सबको काउंट करके एक जगह लिखा जाता है, तो 3s3p 3d 6 2 8 1 9 9 इलेक्ट्रॉन होगा, और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 9 2 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बोरबरी के नियमानुसार, तो आसानी से कर लोगे, दिया हुआ है आसानी से आप कर सकते हैं बोरबरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। 22nd टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 दो चार दस बारह छः अठारह दो बीस दो बाईस, बाईस तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरीके से डी में आप 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते जाइए। 23 वैनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। पहले ही आपको बताए थे कि अगर आप बाउर रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान गए तो आसानी से निल्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। वैनेडियम 24 क्रोमियम Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ऐसे होना चाहिए था 2 4 10 12 6 18 2 20 4 24 हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एसओपोस में हम देखें, इसको मिटा दें, हम आप नोट कर लिए होंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिटा दें, इससे कि आगे अब बड़ा महत्वपूर्ण आने वाला है, अपवाद शुरू होने वाले हैं। 24 आ गया है सीआर, सीआर है तो निश्चित है कि काटेगा, तो 24 सीआर है। आप देखो 3d4 हो गया, एस उपकोष में एक कक्षक होता है, दो है, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। डी उपकोष में पांच कक्षक होता है और चार इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक कक्षक खाली हो गया है। अगर एक साथ पांच लोग बैठे हुए हैं पाप पर खाने के लिए, छह लोग बैठे हैं और सबके थाली में एक एक पूड़ी डाल दिया गया है, एक की थाली में दो पूड़ी डाला गया है, तो लास्ट वाला जो होगा वो देखता रहेगा कि अरे लग रहा है कि हमको नहीं देंगे सब क्या, या लग रहा है कुछ मजाक कर दिए हैं सब कि एक हमारी पूड़ी भी दूसरे में ही डाल दिया गया है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा गुस्साएगा और अत्यधिक अस्थायी होगा और इसके एक पूड़ी को खींच लेगा अपने में अतिरिक्त अस्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 हो जाएगा। s उपकोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है और d उपकोष में पांच कक्षक है और एक एक इलेक्ट्रॉन है। रीजन इसका है, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर हैव एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्ट्रक्चर हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक या युग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक अतिरिक्त अस्थायित्व रखेंगे। इसी के कारण से ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 ना होकर के 4s1 3d5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीआर का करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 सामान्य रूप से आप करेंगे, लेकिन ये अत्यधिक अस्थायी होगा क्योंकि एक कक्षक खाली है, पीछे का एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा डी उपकोष, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s1 3d5। आ रही बात समझ में, अब देख 24 सीआर हो गया। अब फिर हम क्या करें, आगे बढ़े, नोट कर दिए होंगे आप, पॉज करके और नोट करते जाइएगा, मिटा रहे हैं आप पीछे करके हमको नोट कर लीजिएगा। 24 सीआर हो गया, अब हम करेंगे 25 एमएन, 25 मैग्नीज एमएन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s
टू थ्री डी फाइव और फिर एस उपकोष में चला आएगा। डी उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षकों में हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ जाएगा, फोर एस टू थ्री डी फाइव हो गया। फिर 26 Fe आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गया। 27 कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। फिर अगला 28 निकिल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए जी, एकदम आसान सा है, और ऐसा नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं आपको आएगा। निकिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 29 कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था यही, लेकिन फिर वही आ गया। एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में पांच कक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में भर देते हैं, फिर विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें ये न हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है, ये क्या करेगा, एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके चला जाएगा इसमें, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी पूरा फुल फील्ड हो गया, तो ये 4s1 और 3d10। एस उपकोष में एक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में पांच कक्षक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फुल फील्ड स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, पूर्ण रूप से युग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे हुए कक्षक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे हुए कक्षक अतिरिक्त अस्थायित्व तो रखते हैं, तो ये अतिरिक्त अस्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए 4s1 3d10 हो जाता है। रीजन, फुलफिल्ड स्ट्रक्चर हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, युग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक अतिरिक्त अस्थायित्व तो रखते हैं, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फिर देखो लास्ट अब किया जाएगा 30 जिंक का, मिटाते हैं इसको। 13th जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 30 जिंक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब s उपकोष में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि d उपकोष पूर्ण रूप से भर गया है। अगर बोर बनी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, देखिए पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन, दो हो गया, दूसरे में s और p है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में s p d सबको एक जगह, ये नहीं कि 8, 2, 10 करेंगे, नहीं, तीसरे कोष के सारे उपकोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो 18 और चौथे में 2, 2, 8, 18, 2। अगर इसका करना होता तो 2 पहले कोष में, दूसरे में 8 है, तीसरे में 6, 2, 8, 8, 10, 18 और चौथे कोष में 2, 8, 18, 1 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा प्रैक्टिस करिए। पूरे पीरियडिक टेबल में 10 कुल अपवाद हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। 24 और 29 पढ़े हैं, 41, 42, 44, 45, 46, 47 और 78 और 79 प्लेटिनम और गोल्ड, ये 10 अपवाद हैं जिसमें कि बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन खींचता है या बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 46 पीडी जो है पैलेडियम, वो बाह्यतम कोष से दो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और फिर से परमाणु क्रमांक लिखिए, तत्व लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करिए।